अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे फिट होंगे। तो यार आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू एंड कैम के साथ। तो यार आज बहुत मेहनत लगाई इस वीडियो में, तो जैसे मैं यहाँ पे लैंड करता हूँ तो एक बंदा मेरे साथ ही लैंड होता है। अब जिस भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं दबाते। तो भाई लाइक जरूर दबाया करो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो जैसे मैं पे लूट शूट कर लेता हूँ तो पीछे के साइड से एक और बंदा आ जाता है। तो जैसे ही मैं इस बंदे को नॉक कर देता हूँ तो सीधा इस पे पुश करके फिनिश भी दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे किल चोरी बहुत होता है। तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको फिनिश कर देता हूँ तो सामने की तरफ चला जाता हूँ और वहां पे देखना कैसे बचता हूँ। अब यहाँ पे शॉटगन से थोड़ा ही बचा, तो जल्दी से इसको तलवार से फिनिश करेंगे, क्योंकि ये शॉटगन चला रहा था। और जैसे मैं इससे लूट शूट उठा लेता हूँ और अपने हीलिंग शीलिंग फुल कर देता हूँ, सामने वाले बिल्डिंग पे कुछ बंदे होते हैं तो जल्दी से उन पे भी पुश करते हैं। एक बंदा सामने होता है, दूसरा बंदा नीचे होता है, तो नीचे वाला बंदा पुश करता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इस वाले बंदे को इसलिए फिनिश नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था कि इसका बंदा भी आएगा। अब इस बंदे को मैं काफी आराम से नॉक कर देता हूँ, साथ में दोनों को फिनिश भी देता हूँ। सामने की तरफ तीन बंदे होते हैं जो कि अपग्रेडेबल होते हैं, तो उनके साथ 1v3 का फाइट बन जाता है यहाँ पे, बिल्कुल भी मिस ना करना, काफी लंबा फाइट चला जाता है। और यहाँ पे एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ, साथ में फिनिश देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये मेरे से बच गया तो नहीं ट्राई करते है। अरे भाई भाई, एक बंदा सामने ही बैठा है मेरा, अच्छा हो कि मैं इससे बच गया, इसकी लोकेशन बिल्कुल भी पता नहीं थी, तो इस पे भी नेट ट्राई करते हैं। और उस बंदे को यहाँ पे रिवाइव मिल जाता है तो मैं भी जल्दी से किट लगा लेता हूँ, थोड़ा पीछे चला जाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये नेट करेगा, लेकिन ये नेट नहीं करता। तो मैं जल्दी से ऊपर के साइड आ जाता हूँ, होली से ट्राई करता हूँ कि बंदा नॉक हो जाए। अरे भाई, ये बंदे तो एमओ उठाने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं जल्दी से नीचे होके किट लगा लेता हूँ। और जैसे ये बंदे सामने की तरफ जा रहे थे मैं ट्राई करता हूँ नॉक करने की। इस बंदे के मोली पे मैं यहाँ आ गया, लेकिन मेरे साथ हीलिंग भी नहीं होती, तो सीन देखो आगे क्या होता है। यहाँ पे सीन ये हो जाता है कि पीछे से एक और बंदा आ जाता है जो कि इनको मार रहा होता है, तो ये बंदे काफी पैनिक हो जाते हैं, तो सीन देखो। और इतने में एक और बंदा इनका नॉक कर देता हूँ, साथ में फिनिश देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन बच जाते हैं, तो जल्दी से इन पे पुश करते हैं। अब इन बंदों से मैंने दो बंदे नॉक कर दिए, तो एक बंदा इनका रह जाता है, लेकिन मेरी हीलिंग कम होती है तो मैं पुश नहीं दे रहा था फिलहाल। और इतने मुझे लगा कि मेरी छत पे एक बंदा आ गया, लेकिन कोई बंदा नहीं होता, तो आगे जाके देखो क्या होता है। अब मुझे लगा कि ये बंदे रिवाइव हो गए, तो इसलिए मैं पुश नहीं करता, पीछे के साइड आ जाता हूँ हीलिंग शीलिंग लेने के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे हीलिंग फुल कर देता हूँ तो आगे जाके देखना मैं कैसे इनको नॉक करता हूँ।
तीसरा बंदा भी यहाँ पे नॉक हो गया, और जो पहले मैंने नॉक किया तो वो भी फिनिश हो गया। मुझे लगा रिवाइव हो चुका होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिवाइव नहीं होता, तो इन बंदों पे 1v3 यहाँ पे हो जाता है। तो और अगर अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। हो जैसे मैं आगे चला जाता हूँ तो इन बंदों को यहाँ पे आराम से फिनिश भी दे देता हूँ। इन बंदों को मैंने यहाँ पे फिनिश दे दिया और साथ में इनका लूट भी उठा लिया। तो जैसे मैं गाड़ी की तरफ चला जाता हूँ तो आगे देखना क्या होता है। अब साइड पे डीबी वाले बंदे की फायर की आवाज आ रही थी तो मैं सोचता हूँ उसे पुश करता हूँ, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि जोन्स के बाहर है तो मैं इवेंट पे गाड़ी रोक लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अब इस साइड ही आएंगे। तो सीन देखो कैसे मारता हूँ अब इनको। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को देख रहा हूँ तो, लेकिन ये दोनों मुझे नहीं मिलते तो मैं आगे वाले छत पे चला जाता हूँ तो वहां पे देखो ये मुझे दिख जाते हैं। इस बंदे को अभी नॉक फिनिश दे दिया, इसका टीममेट होता है जो कि अपग्रेडेबल होता है, तो उसके साथ भी 1v1 का फाइट है, वो मिस ना करना। बंदे ने काफी अच्छा डैमेज दिया, लेकिन ये पीछे चला गया, मुझे हील करने का मौका मिल गया। यहाँ पे जो इनका तीसरा बंदा था वो भी पीछे से कवर दे रहा था। अगर अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और जैसे मैं इनको बंदों को फिनिश कर देता हूँ तो मैं निकल जाता हूँ जोन की तरफ। और अब ये वही बंदा है जिसको मैंने पहले मारा था, लेकिन मैं इसको फिनिश करने की ट्राई करता हूँ, ये मेरे से बच जाता है, गायब ही हो जाता है, तो मैं इनको छोड़ के जोन की तरफ चला जाता हूँ। अब ऐसे तो नहीं होता, इतना डैमेज मैंने दिया, एक एमएम में किसी और ने किल चोरी कर लिया, और जैसे मैं जोन में जाता हूँ तो ये बंदे मुझे भी जाने नहीं दे रहे होते। और यहाँ पे जोन बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा होता, उनके साइड चले गए वापस से, तो जल्दी से वापस जोन में जाने की ट्राई करते हैं। तो इतने में बंदे तो बिल्कुल गुस्से में ही होते हैं, क्योंकि उनको पता था कि जो वही बंदा है जिसने पहले मारा था। बहुत मुश्किल से इस साइड आता हूँ कि जाके देखना क्या होता है। बंदे को तो मैं मार देता हूँ, लेकिन जोन की तरफ देखता हूँ तो जोन की बिल्कुल उस साइड होता है, उन बंदों का लोकेशन भी बिल्कुल पता नहीं होता, तो आगे जाके देखो। और यहाँ पे मैं वो बंदे ढूंढता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं दिखते, तो मैं सोचता हूँ चलो एक स्मोक करता हूँ, और जोन की वजह से पता नहीं स्मोक मैंने कहाँ फेंक दिया। तो आगे देखो, बंदा मुझे साइड से मार देता है, मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तो चलते अपनी नेक्स्ट गेम प्ले की तरफ। तो जैसे मैं पे लैंड कर रहा होता हूँ तो मेरे साथ ही एक बंदा लैंड कर जाता है, वो बंदा अपग्रेडेबल होता है, आगे जाके आप लोग को पता चल जाएगा। तो सीन देखो वो क्या करता है।
भाई ने तो 1 HP कर दिया, लेकिन खैर इसको मैंने मार दिया। तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, हील शील लगाते हैं ऊपर के साइड। जैसे जाता हूँ तो सामने की तरफ एक बंदा होता है, तो जल्दी से उसको भी मारते हैं। ये वाला बंदा मेरे नेट से नॉक हो गया, तो जल्दी से मैं दूसरा नेट करता हूँ इसको फिनिश करने के लिए, लेकिन ये फिनिश नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ चलो उसको पुश करते हैं आगे जाके, देखना क्या होता है। पहला बंदा तो गायब ही गया, तो मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ इसको ढूंढने के लिए। तो जैसे नीचे चलता हूँ वापिस ऊपर आता हूँ, तो सीन देखो क्या होता है। इतने में ऊपर के साइड एक बंदा होता है जो कि अपग्रेडेबल होता है, तो जल्दी से उस पर पुश करते। इस बंदे को काफी आसानी से मैं नॉक कर देता हूँ, अपनी हीलिंग शीलिंग फुल करता हूँ। मुझे पता था इसके बंदे पुश करेंगे, तो सीन देखो इसके बंदे पुश करते। और यहाँ पे 1v3 में काफी आसानी से कर देता हूँ, तो जल्दी से मैं एक स्मोक फेंक देता हूँ इससे लूट चुराने के लिए। तो आगे जाके देखना क्या होता है। अब इस बंदे को मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ, साथ में फिनिश देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये नीचे चला जाता है। तो जैसे ही आगे चला जाता हूँ वहाँ पे एक और अपग्रेडेबल बंदा होता है, तो अब उनको भी मारते। ये वाला बंदा तो मेरे से यहाँ पे बच गया, लेकिन आगे नहीं बचेगा, तो सीन देखो। अब इस बंदे को मैंने यहाँ पे नॉक फिनिश दे दिया, तो जल्दी से इसको लूट उठाते और सामने की तरफ जिससे फायर ले रहा था, तो लास्ट बंदा रहता है। तो सीन देखो आगे क्या होता है। अब इसी के साथ हमारे यहाँ पे हो गए इवेंट क्लियर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर दो। मैं चला, अल्लाह हाफिज।